رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم صدق الله مولانا العظيم بندہ اے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیرے سایہ ہر ولی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حمد و صلاة کان بعد واجب الاحترام صدر مجلس حضرت علامہ مولانا سید محفوظ علی شاہ بخاری نعیمی زیدہ مجدہ جمیع اہل سنت و جماعت جا مجاہد و تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا عہدیداران و کارکنان اللہ کی نعمت خادم حسین رضوی اللہ کی نعمت خادم حسین رضوی سرکار کی عنایت خادم حسین رضوی سرکار دو جہاں نے ان کو بڑا نوازا سرکار دو جہاں نے ان کو بڑا نوازا جس دن ہوئے تھے رخصت خادم حسین رضوی جس دن ہوئے تھے رخصت خادم حسین رضوی ختم نبی پہ پہرا کس طرح سے دینا ختم نبی پہ پہرا ہے کس طرح سے دینا تجھ سے ہوئی شناخت خادم حسین رضوی عاشق بڑا تھا وہ تو ہم نے جو کھو دیا ہے کہتے ہیں اہل سنت خادم حسین رضوی لاکھوں کروڑوں تیرے دیوانے بن گئے ہیں ہے عجب تیری شجاعت خادم حسین رضوی عشق نبی میں مرنا تو نے سکھا دیا ہے عشق نبی میں مرنا تو نے سکھا دیا ہے یہ ہے تیری صداقت خادم حسین رضوی عطار کا میں سگ ہوں دشمن عطار کا میں سگ ہوں کرتا ہوں عرض تجھ سے کرنا میری شفاعت خادم حسین رضوی
करना मेरी शफात खादिम हुसैन रिजवी। वक्त मुख्तसर आ कुछ ही घड़ियों में पैंजी हाजिरी पेश करे जगह वठंदस। अमीरुल मुजाहिदीन फनाफिर रसूल हाफिजुल हदीस शेखुल हदीस जबल इस्तिकामत उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैहि की याद में तहरीक लब्बैक का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ का आज ही ताज़ियती महफिल जो इनकाद कयो वयो आहे। शाद रब करीम महफिल करण वारन के अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमायो ला ताजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर। हरगिज तहां एड़ी कौम न दिसंदो जेकी अल्लाह आखिरत ते ईमान आणींदा हुजन। युआदून मन हाद अल्लाह व रसूलहु दोस्ती रखिन उनन सां जेकी अल्लाह उन जे रसूल जा मुखालिफ आहिन। वलौ कानू आबाहुम चाहे उनन जा वालदेन ही छो हुजन। औ अबनाहुम चाहे उनन जी औलाद छो हुजे। औ इख़वानहुम चाहे उन्हनि जा भाइर छो न हुजनि। औ अशीरतहुम चाहे उन्हनि जा दोस्त रिश्तेदार छो न हुजनि। ईमान अल्लाह ऐं आख़िरत ते आणण वारा कॾहिं बि अल्लाह ऐं उन जे रसूल जे दुश्मन सां यारी नथा लॻाए सघनि। मोमिननि जी इहा अल्लाह ताला निशानी बयान फ़रमाई। मुफ़सिरीन किराम इन आयत जे तहत लिखनि था हज़रत सैदना ख़लीफ़ बिला फ़सल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वालिद अबू कुहाफ़ा 98 साल जी उमिरि में तक़रीबन इस्लाम क़बूल कयाई। उन खां अॻु में नबी करीम अलैहि सलाम जी ज़ात बाबरकात जे मुतालिक़ उन जी ज़बान मां नाशाइस्ता जुमिला निकिता। सिद्दीक़ अकबर जी मौजूदगी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर जे वालिद महबूबन करीम अलैहिस्सलाम जी अदना तोहीन करे विधी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां बर्दाश्त न थियो। पंहिंजे बाबे खे चमाट वहाए कढियाऊं। अबू कुहाफ़ा टोढ़ो ऊंधे मुंहुं वञी किरियो। सरकार जी दरबार में ख़बर पहुती त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजे बाबे खे चमाट वहाए कढी आहे। सरकार अली सलाह सलाम सिद्दीक़ खे तलब कयो। सरकार जी दरबार में हाज़िर थिया। सरकार फरमायो ए सिद्दीक़ छा पंहिंजे बाबे सां विढ़ियो आहीं छा? ॿुधी करे सिद्दीक़ अकबर जो अर्ज़ु तव्हांजो ईमान ठरी पवंदो। सिद्दीक़ अकबर सरकार खे अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह लौ कान सैफ मिनी करीबन लक़तलतुहु। या रसूल अल्लाह छा कयां मुंहिंजे वेझो तलवार न हुई। जेकॾहिं तलवार हूंदी हा बाबे खे चमाट न तलवार सां क़तल करे विझां सा। महबूब तव्हांजी तोहीन करे। सिद्दीक़ अकबर जीअं पंहिंजे इश्क जो इज़हार कयो रबुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात इहा आयत नाज़िल फरमाए। सिद्दीक़ जी अज़मत खे बयान फरमायो ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर युआदून मन हादल्लाहु व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम। अल्लाह ऐं आख़िरत ते ईमान रखण वारा कॾहिं बि दोस्ती नथा लॻाए सघनि अल्लाह उन जे रसूल जे दुश्मननि सां। चाहे उन्हनि जा वालदैन छो न हुजनि, मतिलब चाहे उन्हनि जो वालिद या चाहे सिद्दीक़ जो वालिद छो न हुजे। सिद्दीक़ अल्लाह ऐं आख़िरत ते ईमान रखण वारो आहे कॾहिं रसूल जे दुश्मन सां यारी नथो लॻाए सघे। मन सब नबी जन फक्तुलू हो मन सब्बा नबी जन इन जी माना आहे क़यामत तक। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाईंदा हा क़यामत तक जो किसी भी नबी की अदना से अदना तोहीन करे उसको काट कर रख दिया जाए। भला तव्हां वञा के अहिड़ा दोस्त आहिनि जेके हिन धरणे में उते शरीक थिया हुजनि। माफ़ कजो थोरो ऐं जुमिला सख़्तु ॻाल्हाए वञा त बर्दाश्त कजो। तनक़ीद बराए तनक़ीद ना तनक़ीद बराए इस्लाह।
जलसन में शिरकत पानी रहे थी सभी हाजिर थूं था सरकार जी जात जे मिलाद में पे वणो बादशाह पीर जी यारी पे बुधण वणो लंगर भी खायो था सवाल आ तहां खां छा तहां जे पीर जी को फिल्म ठाए तोहीन करे मुखे बुधायो तहां के कावड़ इंदी या नहीं दी वो कावड़ जो इजहार भी हुंदो आ ना कावड़ अचे छा घर बैठा रहंदा तू ना बस आहर कोशिश करना तू मैदान ते निकरूं अमीरुल मुजाहिदीन 9 नवंबर ते डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जी मजार जे सामो महफिल में पहला कराची 7 नवंबर ते ऐलान फरमायो तो तहां के 15 नवंबर ते रावलपिंडी पहुंचणो आ लियाकत बाग एरा तवज्जो वरी 9 नवंबर ते अमीरुल मुजाहिदीन जे के अल्फाज इरशाद फरमाया उनखां बाद आशिकान रसूल जे के अमीरुल मुजाहिदीन सा मोहब्बत करण वारा हर वक्त बुधंदा रहंदा होया उनन जो अखियों उनखां बाद में लियाकत बाग जी तरफ तवज्जो थी गई अमीरुल मुजाहिदीन जा अल्फाज हुया जो अपनी कब्रो हशर रोशन करना चाहता है उसको चाहिए कि लियाकत बाग हर सूरत में 15 नवंबर को पहुंचे सतां पहुंचा हुयो न पहुंचो तो छो न पहुंचो चाहे इतने तहां रोड बंद कई अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिदवी पंहिंजी ज़ात लाइ सॾु न कयो हो हुज़ूर जी नामूस लाइ सॾु कयो हो ऐं तव्हांखे ख़बर आहे साईं जीअं ऐलान कयो 7 नवंबर ते लियाकत बाग पहुचण जो 8 नवंबर ते ऑपरेशन शुरू थी वई क्रैकडाउन शुरू थी वियो ऐं उन्हनि चयो त असां कंहिं बि सूरत में लियाकत बाग पहुचण लबैक वारनि खे न ॾींदासूं अमीर मुजाहिदीन जी मस्जिद में हमलो करे छॾियाऊं जूतन समेत पुलिस वारा मस्जिद में दाखिल थिया आले रसूल सैयदन जे घरन में हिन गवर्नमेंट जा पैरोकार आले रसूल जे घरन में दाखिल थिया तहरीके लबैक या रसूल अल्लाह जे अदवारन जे घरन में दाखिल थिया ही उन्हनि खे अल्लाह ताला चूंडियो हुयो ऐं हुकूमत खे बि ख़बर हुई ही रसूल अल्लाह जा उहे परवाना आहिनि हर सूरत में लियाकत बाग पहुचंदा ऐं इन्हनि जे घरनि ते छापा हया वञनि जेकॾहिं सिंध मझां कंहिं मौलवी जे घर ते छापो न लॻो त सम्झी वञे उहो त तुंहिंजे घर ते छापो छो न लॻो तुंहिंजे मदरसे ते छो न छापो लॻो मतिलब ख़बर हुई हिन मां थियणो कुझु न आहे हिन खे ॿधी छा कयूं हुकूमत उन्हनि जे ख़िलाफ़ हुई जेके मैदान ते अचणा हुया ऐं एतिरी रुकावटुनि जे बावजूद ऐं हितां काफ़िलो वठी वियुसि पंहिंजो उहे जवान माण्हू जवान छोकिरा नंढी नंढी उमिरि आहे शायदि को 30 साल वारो हुजो बाक़ी सभु 30 सालनि खां नंढी उमिरि वारा हुया तकरीबन 25 आशिकान रसूल आला हज़रत जी निस्बत सां मैदान ते आया ऐं रुगो वञी करे उते बिरयानियूं कोन खाधऊं लियाकत बाग खां ई ऑपरेशन शुरू थी फैज़ाबाद तक मामलात ऑपरेशन जा हलंदा रहिया ऐं उन्हनि चयो पहिरीं त लियाकत बाग पहुचण न ॾींदासूं आशिकान रसूल उन जे बावजूद बि लियाकत बाग पहुची ॾेखारियो वरी चयो त लियाकत बाग पहुची चुका आहिनि त हाणे इतां इन्हनि खे हलण न ॾींदासूं उते ऑपरेशन शुरू कयऊं आसू गैस एक्सपायर जेके हुया 2015-16 जा उन्हनि जो दूहो तमामु ज़हरीलो हुयो ऐं दूहे अचण सां माण्हू मरी बि सघियो थिए लेकिन आशिकान रसूल जी दिलनि में रसूल अल्लाह जी नामूस जो पहिरें जो जेको जज़्बो हुयो उन जज़्बे जे तहत उन्हनि जी तवजो दूहे ना न वई उन्हनि जी तवजो रसूल अल्लाह जी नामूस ॾांहुं वई उन्हनि इन्हनि शयुनि जी परवाह न कई उन्हनि चयो त हिननि खे वञण न ॾींदासूं हितां लियाकत बाग खां फैज़ाबाद जी तरफ़ मार्च हिननि खे कढण न ॾींदासूं आशिकान रसूल मार्च शुरू कयो उन्हनि ऑपरेशन शुरू कई आशिकान रसूल पंहिंजा कदम पोइ ते न कया वरी बि पंहिंजा कदम फैज़ाबाद जी तरफ़ वधाईंदा हलिया जिथे गाज़ी मलिक मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह जो घर आहे रावलपिंडी में जिथां लियाकत बाग खां फैज़ाबाद जी तरफ़ वञे थो दरमियान में हिकिड़ो कब्रिस्तान अचे थो सादिकाबाद उन एरिए खे चवंदा आहिनि सादिकाबाद इलाइक़े जो नालो आहे रावलपिंडी में
उन सदका बाद खां जने आस्कान रसूल जो गुजर पे थो तो हुकूमत जोर भरयो ते इन जाय ते एतरी शेलिंग कई वने एतरी शेलिंग कई वने ताके कहे आस्कान रसूल जी तवज्जो मुमताज कादरी जे घर दा न वने जे करे मुमताज कादरी जे घर दा इन जी तवज्जो वई तो पो मुमताज कादरी वारी पावर इनन वट अची वेंदी उनन उते एतरी आंसू गैस उछलाई उन जे बावजूद आशिकान रसूल पहला कदम पोएते न कया फैजाबाद जी तरफ वधाईंदा हलिया वरी उनन जो फैजाबाद पहुंचन नरींदासू उनन रास्ता बंद कर छड्या फैजाबाद वणण वारा इमरान खान जी यूटर्न वरतो आ ना पहली तब्दीली जो आशिकान रसूल वरी बियो रास्तो रस्तो वठी करे फैजाबाद पहुंची दिखारयो फैजाबाद पहुंचन नरींदासू लबैक वारा वरी भी फैजाबाद पहुंची आ बरसात हलंदी रही थजू हवाओं हलंदी रहूं कई एक आशिक जे मथे ते परेशानी जा आसार नजर ना आया उनन चयो कब्र हसर रोशन करणी आहे त अमीर जे फरमान ते अमल करणो आहे इंशाल्लाह हुकूमत सा गाल करे अमीरुल मुजाहिदीन जे हुकम सा वापस थणो आहे ना त शहादत देई करे लाश वापस वींदी पर वापस कोन वींदासू उनन चो वरी जने फैजाबाद वेही व्यासू पुलिस थकजी वई पुलिस हथ खड़ा कया पुलिस चयो ही लबैक वारा हटणी ना इनके असा हाने कुछ नथा करे सकूं सैयद इनायत उल हक शाह साहब दामत बरकात मुलालिया फरमाइन पिया त असी व्यासू आईजी रोए पियो आईजी रोई दिनो छा कया एक तरफ हुकूमत जो आर्डर आ बे तरफ रसूल अल्लाह जा आशिक आहिं नारे जो मतलब अमल भी करन मैदान ते निकरन सब का ज्यादा केवल माजरत सा सब का ज्यादा जितना भी धरना लगा हन अव्वल त आखिर मुझी शिरकत रही आ तादी से नेमत पे अर्ज कया तो सब खां घट में घट यानी अट्टे में लून बराबर असा जा सिंध जा को मौलवी दाढ़ी वारो नजर तो अचे ए जेके मशहूर आ उनन मा तो को अचन लाए तैयारी ना है को अचन लाए तैयार ना है हुजूर जी नामूस दिलाए पूछा कर हर मानू डिटेल खोली खोले वही तो रहे रिजवी सिवरो आशिक रसूल होयो मचो करे फरमान ते अमल करे मैदान में आयो है चिना आयो तो कौन होयो बाकी होयो सही आशिक रसूल मचो आशिक जी कदर तो जिंदगी में कई कान खबर करन सा छाटो के मिलंदो अल हक मुर्रन वलव कान दुर्रन गाल कड़िया चाहे हीरे जी मिसल छोर हु दे तो असा रुगो हलवन जे लाए आयो असा रुगो जलसन में वनी स्टेज जी सिंगार बनजन जे लाए बचाए हो केर कुर्बानी दींदो हिता खा जनाजे में भी मौलाना जी लिस्ट तहां ठायो केतरा शरीक थिया लेकिन अवाम उन जे बावजूद भी धरने में भी हिता खा अवाम ज्यादा शरीक रही ए जनाजे में भी सब खा ज्यादा अवाम शरीक रही सिंध जी गाल पे कया सोजणो था सी मौलाना उन जे छा गाल आहे छा रुकावट आहे तहां आशिक रसूल के खिराजे तहसीन पेश करन जे लाए जनाजे तक भी तां शरीक न थियो असा जो ही धरणो खत्म थियो ना है याद रख जो जो फैजाबाद का मुआयदो करे वापस आया हूं ही खत्म ना है थियो ही टे महीनन जो टाइम दिनल आहे टिन महीनन खां बाद में जे करे हुकूमत इन ते अमल न कयो इंशाल्लाह तहां कदे भी सोच जो न अमीरुल मुजाहिदीन वे हलो तो मिशन भी कब्र में वे हलो ना अमीरुल मुजाहिदीन जरूर मजार में जा आहन साईं जो मिशन आहे इंशाल्लाह सच्चा परवाना हकीकी लबैक या रसूल अल्लाह जो नारो हणण वारा जी अमीरुल मुजाहिदीन सा गद हुया इंशाल्लाह इए ही साईं जे पुत्र सा गद हुंदा इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह ला लबैक 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 या रसूल अल्लाह पुलिस जवाब नहीं छड़े उते असा ने सामू हाथ खड़ा कया
चयो बाबा लबैक वालो जान छोड़ो हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हें। रेंजर्स चयो असी इनन के ता भजायूं हिनन के सिज हिते उभरण दिसण न दीदासू सिज उभरंदो ही हिता निकली वींदा। रेंजर्स मैदान ते अची रही वरी उनन के चयो भई तहां जेकरे इनी लिबास में आया हो तो को मामलो थी वियो। उनन के लिबास पुलिस वारो दिनो वियो। रेंजर्स आई एसी आई चारों तरफ उन्होंने घेरो वेही करे सिज दिसण न दीदासू आसकन के। चार बजे हालांकि सारी रात बरसात थींदी रही रस्ते में बरसात थींदी रही हवा हलंदी रही इस्लामाबाद की सर्दी तां समझी सको था इतनी सर्दी तेज हुई इतनी हुई सारी रात असो पहो ही जिसम पे कंबो किथा थन काठू किथा बार बार जे किथा सवड़ आण जे इन दुखी घड़ी जे अंदर आसकान रसूल बीही करे बरसात में वक्त गुजारो सदी रात परेशान सजो दी जेको आ सफर कना रहा ए उनखा अलावा जुल्म बाले जुल्म इयो होयो त रावलपिंडी सारो ब्लॉक रस्ता ब्लॉक इस्लामाबाद ब्लॉक आशिकान रसूल बाबा आवाज मुजी पहुंचंदी सुभान अल्लाह लबैक जा नारा हणदा रहा। असल मजो त उन वक्त होयो लबैक जे नारे जो हक अदा उते आशिकन कयो जो चौदा रहे या रसूल अल्लाह हेदा दुश्मन जे खिलाफ जे के आशिक निकता हन आ हेदा दुश्मनन जी हेल्प में खद्दार आया आहन वरी भी या रसूल अल्लाह आंसू गैस जी बरसात में आए महबूब गोलन जी अंदर भी लबैक चई करे आशिकन उते इजहार कयो या रसूल अल्लाह वरी भी तुहिजी इज्जत लाए असी हाजिर आया हूं। आशिकन उते मौजूद रही करे हक अदा कयो वल्लाह अगर तहां मंदर दिसो हा या रिकॉर्डिंग दिसो भी सही तहां चंदो ही फिल्म आहे ही ड्रामो आ ही हकीकत ना है का रब्बे काबा जो कसम आहे जेका आशिकन कुर्बानी दिनी आहे उन आशिकन के नविसार बो अमीरुल मुजाहिदीन जे पोए लगन परवानन जेको उते हक अदा कयो आहे इंशाल्लाह रब्बे कायनात जरूर उनन के अजर अजीम अता फरमाइंदो। लेकिन तहां जे लाए पैगाम आहे खुदारा मैदान ते अचो अमीरुल मुजाहिदीन जो को पैगाम देया समझो था सही हक ते हुया सही फरमाइंदा हुया पेंजी जिंदगी में हाने कदर कयो मैदान ते अचो नामूसे रिसालत ते पहरो दियो खत्मे नबूवत ते पहरो दियो साईं जे फर्जंद सा गद भी हो इंशाल्लाह ताला थोरो ही पाण निकदासू मैदान ते देर न लगंदी रसूलुल्लाह जो निजाम पाकिस्तान में नाफिस थी वेंदो ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए सितम घर की नजरों से नजरें मिला के जिए हम अगर दो दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या हम अमीरुल मुजाहिदीन के साथ थे जो शम्मा जला के जिए ना मुंह से मुस्तफा पे जवानी लुटाइए मकसद ये जिंदगी का जहां को बताइए ना मुंह से मुस्तफा पे निछावर है दो जहान जहां देखे उनकी आन पर ईमान बचाइए नामू से मुस्तफा पे तो कटते हैं बानसीब होना है खुश नसीब तो हिम्मत बढ़ाइए नामू से मुस्तफा पे है मरने में जिंदगी आबे हयात के लिए सर को कटाइए वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।